हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपकी वार्षिक परीक्षा में दिए जाने वाले कार्यपत्रक को हल करेंगे। बच्चों, इसके अंक आपके रिजल्ट में जोड़े जाएंगे, तो इसलिए आप इसे अच्छे से हल करें। कक्षा 4 हिंदी सत्र 2021-22 कार्यपत्रक 2। प्रश्न 1, दिए गए वर्णों की सहायता से बिना मात्रा वाले 10 शब्द बनाइए। अंक 10। तो इस प्रश्न के 10 अंक हैं। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनसे आपको 10 शब्द बनाने हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ग, झ, ड, घ, थ, म, य, स, व, अ, र, ह। तो इन वर्णों की सहायता से आपको 10 शब्द बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्ण बनाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। घर, घर, डर, यम, थम, असम, मग, गम, मर, हर, वर, डगर, समय, मगर, वहम, थर्मस। तो यहाँ हमने 10 से ज़्यादा शब्द बना दिए हैं। आप भी इसी प्रकार 10 शब्द बनाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्न वर्णों की 12 खड़ी का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर व, म, ल और स की 12 खड़ी दी गई है। इन वर्णों की 12 खड़ी का प्रयोग करते हुए आपको 5 शब्द बनाने हैं। तो यहाँ हमने शब्द बनाए हैं मोम, सेवा, मेवा, माला, समोसा, मालूम, सो, ले लो। तो इस प्रकार हमने ये शब्द बना दिए हैं। आप इनमें से भी कोई भी 5 शब्द लिख सकते हैं, या इनके अलावा भी अन्य शब्द बनते हैं तो उन्हें बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। अब आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने शब्दों में चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, चित्र में एक ऊँट है, ऊँट कुएं के पास खड़ा है। चित्र में एक बच्चा बारिश में खेल रहा है। चित्र में एक बालक अपनी माँ से कुछ कह रहा है। चित्र में एक पेड़ भी है। तो यहाँ हमने इस चित्र को देखकर 5 वाक्य लिख दिए हैं। इसी प्रकार आपके मन में जो इस चित्र को देखकर वाक्य आते हैं, उन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, यदि आप पेड़ होते तो क्या क्या करते। अंक हैं 10। तो आपको उत्तर देना है कि यदि आप पेड़ होते तो क्या क्या करते। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि मैं पेड़ होता तो मैं सभी को छाया देता, सभी को फल देता, सभी पक्षियों को अपने ऊपर घोंसला बनाने देता, सभी को ऑक्सीजन प्रदान करता, बच्चों को अपने ऊपर खेलने देता। तो यदि मैं पेड़ होता तो मैं ये सब कुछ करता। तो आप भी अपने शब्दों में लिखेंगे कि यदि आप पेड़ होते तो क्या करते। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।